गुड मॉर्निंग दोस्तों, कल रात को मेरी जो बड़ी बुआ है एक्सपायर कर गई, और कल रात को करीब 2:30 बजे भैया भाभी दोनों फ़ोन किए थे, बताए कि ऐसा ऐसा बात है। तो कल रात भर मैं सो नहीं पाया, इधर उधर हो के ही पूरा सुबह हो गया, पूरा रात भर जो है मैं सो नहीं पाया। और जब सुना तो बहुत ख़राब लगा। हम लोग अभी एक हफ्ता पहले गए थे टिटलागढ़ बुआ को देखने के लिए, लेकिन हम लोग देख नहीं पाए क्योंकि तबीयत जो है बुआ का थोड़ा ज़्यादा ही ख़राब हो गया था। तो हम लोग जब यहाँ से टिटलागढ़ पहुँचे तो टिटलागढ़ से रायपुर ले गए थे बड़ी बुआ को, और रायपुर में जो है बड़ी बुआ का ट्रीटमेंट चल रहा था। तो ट्रीटमेंट के दौरान तबीयत भी जो है थोड़ा सुधार आ गया था, रायपुर का हॉस्पिटल में जो रखे थे। और हम लोग यही सोच रहे थे कि तबीयत जो है धीरे धीरे करके तो तबीयत में सुधार आ रहा है, शायद ठीक हो जाएंगे। लेकिन हम लोग को क्या पता है, हम लोग गए थे देखने के लिए लेकिन देख भी नहीं पाए, और नेक्स्ट टाइम जाके मिल के आएंगे, थोड़ा देख के आएंगे सोच रहे थे, वो चीज़ भी नहीं हुआ। मैं तो दोस्तों हमेशा यही सोचता हूँ कि अच्छे आदमी को भगवान इतना जल्दी क्यों बुला लेता है अपने पास। मेरी ये जो बुआ थी ये सबसे अच्छी बुआ थी, वैसे तो 3 बुआ हैं, ये सबसे बड़ी वाली बुआ है। और ये जो बुआ है हम तीनों भाई बहन को बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, छोटा से लेके बड़ा तक उसी का गोद में खेल कूद के हम लोग बड़ा हुए हैं। और अभी वो इस दुनिया में नहीं है। मुझे आज भी याद है कैसे मैं खेलने जाता था, दौड़ दौड़ के भागता था, और मेरी बुआ जो है मेरा पीछे पीछे दौड़ती थी। तो भैया भाभी जो है ये लोगों सबसे पहले मेरे को ही फ़ोन किए थे, और मैं फ़ोन किया मेरा बड़ा भाई झारसुगड़ा में जो रहता है मेरा बड़ा भाई को, और उसके बाद मेरा सिस्टर को फ़ोन किया और बोला कि ऐसा ऐसा बात है, बुआ एक्सपायर हो गई, बुआ अब नहीं रही। तो सुबह 5 बजे फ़ोन करके मैं बोला, और रात भर दोस्तों मैं सोया नहीं हूँ, अभी भी जो है मेरा सर थोड़ा सा पेन हो रहा है नहीं सोने के कारण। तो बुआ का जो बॉडी है रायपुर से लेके आ रहे हैं एम्बुलेंस में, और हम लोग का फैमिली सब हम लोग बातचीत किए आपस में कि हम लोग जाएं क्या देखने। लेकिन एक्चुअली दोस्तों प्रॉब्लम ये है कि पहले जैसा अभी सिचुएशन नहीं है, पहले जैसा आप कोई भी ट्रेन पकड़े और चले गए, अभी क्या है कि बिना रिजर्वेशन का आप जा नहीं सकते, और ट्रेन जो है 1 बजे ट्रेन है, और हम लोग 3-4 घंटा पहले अगर रिजर्वेशन करते हैं तो रिजर्वेशन नहीं होगा, ये आपको भी पता है। तो और बाय रोड अगर मान लीजिए कि हम लोग अगर बाय रोड जा रहे हैं तो बाय रोड जाने में काफ़ी ज़्यादा टाइम हो जाएगा, रात को 9-10 भी बच सकता है जाने के लिए। तो हम लोग जो डिसाइड किए कि हम लोग नहीं जाएंगे, और क्रियाक्रम का दिन में ही हम लोग सब जाएंगे टिटलागढ़। तो बाकी जो हम लोग का फैमिली मेंबर है आधा रहते हैं रायपुर में, आधा उड़ीसा भवानीपटना में, तो ये जितने भी आदमी हैं ये लोगों सब पहुंच जाएंगे, क्योंकि टिटलागढ़ से भवानीपटना का जो डिस्टेंस है वो कम है, वो लोगों पहुंच जाएंगे। फिर टिटलागढ़ से रायपुर भी जो है रायपुर भी सामने है, रायपुर वाले भी सब पहुंच जाएंगे। लेकिन रायपुर से यहाँ राउरकेला और झारसुगड़ा ये बहुत लॉन्ग डिस्टेंस है, तो इसमें क्या जाने में एक तो गाड़ी का भी सुविधा नहीं है, और अगर बाय रोड अगर जाएंगे तो बहुत काफ़ी ज़्यादा लेट हो जाएगा। मुझे दोस्तों
बचपन से कभी मेरा दादा दादी का प्यार कभी नहीं मिला, क्योंकि मेरा पैदा हो जब मैं पैदा हुआ, पैदा होने का बाद दादा एक्सपायर कर गए थे, दादी थी। फिर करीब मुझे नौ दस साल ऐसे कुछ होता होगा जब मेरी दादी एक्सपायर कर गई। और देखिए, मेरा पापा भी जो है, जब मैं 14 साल का था तब मेरा पापा भी एक्सपायर कर गए, और अभी बुआ का भी एक्सपायर हो गया। तो फैमिली में तो लाइफ में फैमिली रहना बहुत ज़रूरी है। आप उनको पूछिए जिनका फैमिली नहीं है, कैसा लगता होगा उनको।